हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। बढ़ते हैं अगली खबर पर। दौसा में आज गुर्जर समाज के युवाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए गुर्जर समाज के युवाओं ने पिछली भर्तियों में एमपीएस वर्ग के बचे पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग की। इस दौरान उन्होंने प्रक्रियाधीन जो भर्तियों में 5% आरक्षण देने की भी मांग की। साथ ही युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो वो आंदोलन करेंगे। ये हमारी जो एमबीसी और एसबीसी के अंदर जो 5% आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, जिसके अंदर 2011 के अंदर एक समझौता हुआ था, जिसके अंदर जो पुरानी जो भर्तियां हैं उसके अंदर रिजर्व पद हमारे लिए रखे गए हैं। एक तो उन पदों को सरकार ने निकाल रही है और कुछ 32 तरह की भर्तियां हैं जिसके अंदर 20-25 हजार जो हमारे युवा हैं वो उस समय यहाँ से बेरोजगार हैं और वो इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिनके अंदर 4% जो रिजर्व पद है, 4% रिजर्व पद हैं उन वो स्वीकृत नहीं हो रहे। और उसके अलावा जो 6 पद स्वीकृत होने का समाज कल्याण से लेटर निकला हुआ रखा है, गवर्नमेंट बार बार वादा खिलाफी कर लेती है और इसलिए हम ये ज्ञापन देने के लिए आए। और अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो युवाओं में आक्रोश है और वो कोई भी यहाँ से धरना प्रदर्शन अनशन कुछ भी कर सकती है।